एस्ट्रो लवर्स, ज्योतिष सूत्र को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकॉन दबाइए हमारे लेटेस्ट वीडियोस के अपडेट्स पाने के लिए। दर्शकों, भारतीय ज्योतिष में 27 नक्षत्र है, उसमें से 8वां नक्षत्र पुष्य नक्षत्र है। इस पुष्य नक्षत्र का स्वामी शनि है और इस पुष्य नक्षत्र की एक खास बात यह है, इस नक्षत्र के समय किए जाने वाले कार्य का असर स्थायी रूप से दिखने को मिलता है। इतना ही नहीं, इस पुष्य नक्षत्र में किए जाने वाले कार्य बार बार रिपीट होते हैं। पुष्य नक्षत्र का संस्कृत में एक नाम अमरेण्य भी है। अमरेण्य का अर्थ होता है अमर और अजय। यदि यह पुष्य नक्षत्र गुरुवार के दिन आता है तो एक गुरु पुष्य योग नाम का बहुत ही शुभ योग बनाता है। इस गुरु पुष्य योग के समय किए जाने वाले कार्य का असर जीवन भर हमेशा के लिए रहता है और इस गुरु पुष्य योग में किए जाने वाले कार्य जीवन भर बार बार रिपीट होते रहते हैं। दर्शकों, आज मैं आपको कुछ खास ऐसे उपाय बताऊंगा जिसे गुरु पुष्य योग के समय यदि आप आजमाते हो तो वह आपको अपार सुख संपत्ति प्रदान करते हैं। इसमें से पहला उपाय मोती शंख के बारे में है। दर्शकों, मोती शंख एक बहुत ही दुर्लभ प्रजाति का शंख है। यह देखने को बहुत कम मिलता है। इसकी चमक मोती के जैसी होती है और यह आर्थिक मामलों में बहुत ही शुभ देने के लिए सक्षम होता है। गुरु पुष्य योग के समय यदि अपने घर, फैक्ट्री या दुकान में मोती शंख स्थापित कर दिया जाए तो वह आपके व्यापार में दिन दुगनी और रात चौगुनी वृद्धि देता है और आर्थिक रूप से आपको बहुत ही लाभ देता है। अपने घर में, मंदिर में या फिर अपने दुकान के स्थल में, किसी भी मंदिर में मोती शंख में जल भरकर सुबह नियमित रूप से महालक्ष्मी जी के समक्ष रखें। यह भी आपके जीवन में ज़्यादातर आर्थिक समस्याओं का समाधान लेकर आती है। गुरु पुष्य योग के लिए और एक उपाय दक्षिणावर्ती शंख के बारे में बताया गया है। शंख तीन प्रकार के होते हैं, दक्षिणावर्ती, वामावर्ती और मध्यवर्ती। दक्षिणावर्ती शंख का मुंह दाई तरफ खुलता है। यह बहुत ही दुर्लभ प्रजाति का शंख होता है और बहुत ही कम देखने को मिलता है, लेकिन साथ में ही यह बहुत अद्भुत और चमत्कारी भी होता है। अगर गुरु पुष्य योग के समय दक्षिणावर्ती शंख को आप अपने घर में स्थापित करते हो तो वह आपको जीवन में कभी भी आर्थिक समस्याएं नहीं आने देगा। इसका विधान इस प्रकार है, गुरु पुष्य योग के समय स्नान करके पूर्व दिशा की ओर अपना मुंह रख के दक्षिणावर्ती शंख की चौरंग के ऊपर स्थापना करें। इस शंख के ऊपर केसर से स्वस्तिक बनाए। केसर से स्वस्तिक बनाने के बाद इस मंत्र का जाप करें। यह मंत्र है, ओम श्रीम ह्रीम दारिद्र विनाशिनिये धन धान्य समृद्धि देहि देहि नमः। इस मंत्र का जाप आपको कैसे करना है आप ध्यान से सुन ले। आपको अपने साथ कुछ चावल लेने हैं और एक बार यह मंत्र बोलकर चावल का एक दाना लेकर दक्षिणावर्ती शंख के अंदर रख देना है। इस तरह आपको ओम श्रीम ह्रीम दारिद्र विनाशिनियै धन धान्य समृद्धि देहि देहि नमः इस मंत्र का 108 बार जाप करना है। ऐसा जाप करने के बाद जो भी चावल आपने दक्षिणावर्ती शंख के अंदर रखे हैं उसे ऐसे ही रहने दें और दूसरे दिन सुबह जो भी चावल इस शंख में है उसे लेकर एक डिब्बी में भर दें। दूसरे दिन भी इसी तरह ओम श्रीम ह्रीम दारिद्र विनाशिनियै धन धान्य समृद्धि देहि देहि नमः
इस मंत्र का जाप करते हुए दक्षिणावर्ती शंख के अंदर फिर से चावल के 108 दाने भरे। इस क्रिया को आपको इसी तरह गुरु पुष्य योग से शुरू करके 7 दिनों तक लगातार दोहराना है। पश्चात जितने भी चावल आपने डिब्बी में भरकर जमा किए हैं, वो सब चावल एक सफेद कपड़े में भर ले। उसमें एक कमलगट्टा और कोई भी एक सिक्का भरकर उसे बांध ले। इस बांधी हुई पोटली को आप अपनी तिजोरी में रखकर या फिर अपने घर या दुकान में कील के ऊपर लटकाकर या फिर अपने व्यापार व्यवसाय के स्थल पर रखकर धन धान्य व्यापार इत्यादि में अपार सफलता और अपार सुख प्राप्त कर सकते हो। आप सबसे अनुरोध करता हूँ, ये बताए गए प्रयोग आप अवश्य आजमाएं। आप इसको प्रायोगिक तौर पर भी अवश्य आजमाएं। आपको व्यवहारिक जीवन में वास्तविकता में धन लाभ होगा। अब देखिए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजी एक्सपर्ट। पूरे वीडियोस देखने के लिए गूगल प्ले स्टोर पर डाउनलोड करें एस्ट्रोलॉजी टीवी ऐप, Amazon Fire Stick पर डाउनलोड करें Astrology TV ऐप, Airtel DTH पे सब्सक्राइब करें Astrovani चैनल, Dish TV और D2H पे सब्सक्राइब करें ज्योतिष दुनिया।